हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे देखिए, पुदीना एकदम से बढ़िया से सूख गया है, दो दिन में अच्छे से सूख गया है। अब इसको, इसकी डंडी है जो कि निकाल के हटा दूँगी क्योंकि वो अच्छी नहीं रहेंगी, पर खुशबू इतनी ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। और इसको डिब्बे में पैक करके रख लूँगी। और आप लोग ये करते हो या नहीं करते हो, ये सुखाते हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा कि मैं ये करती हूँ, आप लोग भी करते हो कि नहीं। ऐसे हाउस वाइफ है, सभी करती है। बैठी हुई थी तो मैंने बोला इसी को ही साफ़ कर लेती हूँ, फ्री टाइम में यही होता है। तो हाँ, यहाँ पे मैंने कपड़े धो लिए तो, पर आपको पता है इसमें पानी थोड़ा थोड़ा आता है ना, तो छोड़ देना पड़ता है। तो मैंने ये छोड़ दिए थे, बस एक बार निकालना है और इनको सूखने के लिए डाल देना है। और देखिए, सोना भी बैठी हुई, सोना को मुझे तैयार करना है, बस यही काम था। और तैयार होके बस खाना ना खा के मुझे आज वहाँ पर नहीं गई थी, मैं आज घर पर नहीं गई थी। मैंने बोला अब कल ही जाऊंगी, कल वहाँ पे पेंट वगैरह होगा तभी देखूंगी जाके। अभी काम वहाँ जाओ कोई मतलब नहीं, और इतनी तेज़ दोपहर ही होती, धूप में कोई नहीं दिखता है। तो फिर और अभी कितनी भी जल्दी काम ख़त्म करे, घर का 12-1 तो बज ही जाता है, और फिर वीडियो वगैरह स्टार्ट करो तो उसमें तो हो ही जाता है। और करेक्ट 1 बज गया है, और मैं अपने लिए भी ले आई हूँ खाना खाने के लिए, और रोटी भी, और सोना को भी खिलाती जा रही हूँ। वंशिका ने खा लिया है, मैं वो गरम है, वो लेके आई हूँ अपने लिए चीला। और गरम ये ना मैं सेक ही नहीं थी अपने लिए उठा के रख दी थी। क्या वो गरम है ये? खा, बच्चों को खाना खिलाना एक किसी बहुत बड़ी उससे वो नहीं है, इनको मना मना के खिलाओ। तो ये करके मैं जाऊँगी वहाँ पे घर पे, पानी दिए बाबू, पानी वो वाला देना रखा। तो बस करारे काफ़ी कर दिए, देखो एक मिनट, काफ़ी ज़्यादा करारे करके सेक लिया। गरम गरम ठंडे ठंडे खाने से मतलब नहीं होता, और लागू उसमें नहीं होता। तो चलिए खा लेते हैं। और हरी हरी वाली प्याज बनाई है मैंने, हरी आल की सब्ज़ी, सूखी सूखी अच्छी बनती है। तो बस इसके साथ खा लो, सब ने खा लिया, मैं ही रह गई हूँ। नहा के चोटी वोटी करके तब आप लोग सामने आई, और टी वी देख रही, नागिन वाला सीरियल रात को हम लोगों ने देखा नहीं था। तो बस इसको खा के और फिर हम वहाँ जाएंगे। चलिए तो खा लेते, आप भी आ जाइए, गरम गरम खाते, काफ़ी ज़्यादा करारा कर लिया। तो दोपहर में थोड़ी बहुत देर मैं लेट गई थी, और ये आप सोच रहे हो कहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ जहाँ पे मीटर अप्लाई होता है वहाँ पे बात कर रहे थे। और फिर से उन्होंने हमारा टर्मिनेट कर दिया है, पता नहीं क्यों। अब नहीं झेला जाता, बस बहुत हुआ, अब नहीं हुआ जाता। अब उन्होंने एक वो क्या कहते हैं, रेंट एग्रीमेंट मांगा उस पर साइन के लिए। अब हम सोच रहे उसको पूरा ही कैंसिल करा के दोबारा से कराते हैं। तो वहीं पर जा रही थी, कुछ वीडियो आज ज़्यादा बन नहीं पाया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या, हमारे जो पास में उधर रहते उनका तो एक बार में ही हो गया है, पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है, पता नहीं क्या। पहले मिस्टेक हो रही थी, मतलब इन आप लोग बोल रहे थे ना एक वीडियो में, अपने हस्बैंड का नाम लिया तो वो उनका सरनेम है, राघव जी इनका सरनेम है, ये राघव है ना, तो इनका नाम वो नहीं है, अबाउट में हमारा इनका नाम पड़ा होगा। तो पहले सरनेम में थोड़ा सा, क्योंकि SINGH आता है ना, तो H नहीं लगाया था, उसमें दिक्कत आ रही थी। अब फिर से, अब पता नहीं किस में दिक्कत आ गई है। तो बस बहुत ज़्यादा इतनी मतलब दोपहर में कहीं अभी लेट के उठी, बच्चों को छोड़ के जाओ, दोनों बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं और तब भी काम नहीं हो रहा, तो बड़ा मूड ख़राब हो रहा है। दो कपड़े नहीं सुखाए थे, थोड़ी सी देर आराम करके यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने लगी, और टाइम भी बहुत हो गया, 5:30 का टाइम हो गया। वंशिका को मैंने ट्यूशन से बुलाया, मैंने वो सोना सो रही हैं, उनके पास रह जाएंगी। देखिए बहुत तकलीफ़ होती है, ये सब झेला नहीं जाता है। कितने आप लोगों को वीडियो मैंने कितने बार बताया, 2-3 बार बताया, बल्कि 4-5 बार हो गया है, और अब फिर कब जा पाएंगे, अब नहीं झेला जा रहा है। ये भी बहुत गुस्सा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा भड़क रहे थे कि अब नहीं, अब छोड़ दे, अब नहीं हुआ जा रहा है। तो फिर बहुत ज़्यादा आप लोग समझ सकते हो, एक चीज़ को बार बार उम्मीद छोड़ दी, हम तो ये सोच रहे अब नहीं होगा, फिर अब एक बार एक चांस और लेके देखते हैं।
बस देखते हैं होता है या नहीं। आप लोगों ने बोला था कि बताना वीडियो में, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो वहाँ से हम करा के आ गए हैं, मैंने साइन करके दे दिए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मतलब ये सोमवार को मैंने, हम दोनों ने भेजा था। अब देखते जो भी होगा आप लोगों के सामने। अच्छा आप लोग बताइएगा, इतना मीटर में इतने सारे लफड़े होते हैं, हमें तो नहीं पता था। हम तो सोच रहे थे बस सारा कुछ क्लियर होना चाहिए और हो जाता, पर सब कुछ दिया है तब भी हो जा रहा है। चलिए इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। जो भी है मैंने आपको बता दिया है। घर में जाने के लिए बैठे हुए हैं। सोच रहे अगले महीने का, इस महीने का किराया, मतलब अप्रैल का तो देना होगा, अप्रैल का किराया देना होगा। अगले महीने का नहीं देंगे, पर अभी ये सब से कहाँ बचना होगा। एक महीने का किराया बहुत होता है, एक रुपये भी बहुत होता है। तो यहाँ पे उड़द की दाल बना रही हूँ और मैं भुजिया बनाऊँगी, तो यहाँ पे उबलने के लिए रख दी। और थोड़ा सा कहीं से आओ ना तो पानी की प्यास लग जाती है ना, तो ये देखो वहीं से कैसे देखो बोतल धोने में लगी हुई है। तो मैंने बोला तुम छोड़ दो, मैं धो देती हूँ पानी। ये है ना कहीं से आओ, एक घूंट ठंडा पानी मिल जाए ना, प्यास अच्छे से भुन जाती है। तो बस इसीलिए मैंने बोला इसको कर लेती हूँ। और बर्तन एक दो है, बर्तन भी एक दो धो लेती हूँ। पता एक अब जब सोचते हैं कि अब कुछ भी काम नहीं है, तभी कुछ ना कुछ काम निकल आता है। 4-5 महीने से ये सब हो रहा है। हाँ 4-5 महीने नवंबर से स्टार्ट किया था। अब आप सोच लीजिए एक पल की भी वो नहीं है। इन्होंने बहुत मेहनत की है बहुत, और उसका फल ना मिले, सारा पानी में जाए तो बहुत बुरा लगता है। एक बार नहीं बार बार वही चीज़ हो तो फिर नहीं अच्छा लगता ना। जिसको बोलते वो भी बोलते बाप रे हमारा तो हो गया था, पता नहीं हम, वही है ना हर चीज़ अच्छे से मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे ये चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, इसको डब्बे में खोल रही थी। वीडियो वगैरह कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। वहाँ से आए फिर थक गए, फिर आके घर का काम वाम जो भी हुआ मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने ये साफ़ करके, इसमें मुझे सब्जी छौंकनी है, तो ये बर्तन एक दो बर्तन है, ज़्यादा बर्तन नहीं, ये कर देती हूँ। और इधर मैंने दाल को छौंक दिया है, वो दाल को उबलने के लिए अच्छे से धो के रख दिया है, क्योंकि ये भुंजिया भुंजिया थोड़ा सा कम खाते हैं। तो इनके लिए उड़द की दाल और 2-3 सीटी में बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मैं दाल, उधर देखिए कुकर में दाल उबल गई है। और इधर मैं थोड़ी सी बना रही हूँ मूली की पत्तों की भुजिया, क्योंकि पत्ते रखे हुए थे। मुझे थोड़ी सी दाल वाली पसंद नहीं आती है, तो मैं इधर मूली के पत्तों की वो भुजिया बना ले रही हूँ। और दाल हो गई, और इतनी थोड़ी सी, मतलब थोड़े से पत्ते हैं तो होगा भी नहीं ना, तो थोड़ी सी दाल थोड़ी सी भुजिया तब हो जाएगा, मतलब पूरे टाइम पूरे दिन का हो जाएगा, शाम का और दिन का। तो ये देखिए मूली उबल गई है, और इसको फटाक से, पत्ते सूख गए थे थोड़े से, भूल गई थी मैं रखे मूली, तो मतलब उसमें सलाद में खा ली थी, पत्ते रह गए थे। पर पत्ते कितने अच्छे लगते हैं भुजिया उंजिया में, तो वही मैं छौंक दे रही। उबाल के मैंने लहसुन और प्याज डाल के, टमाटर डाल के बनाया, बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे, मम्मी बनाती है मेरी। तो मैंने बनाया अपने लिए, वंशिका ने, इन्होंने भी खाया, हमने तीनों ने खाया, दाल भी ली थोड़ी 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 थोड़े, ये सब्जी भी ली। तो बस थोड़ा सा नमक और कुछ भी नहीं, मिर्ची मैंने सूखी मिर्ची डाली है, और हल्दी वगैरह नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसमें मिर्ची और इसमें मूली वो उबले हुए पत्ते हैं वो डाल दूँगी। और इसको मतलब उसको चटकने के लिए रख दूँगी, चटक जाए मतलब पानी सारा सूख जाए, पानी रह जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर स्वाद नहीं देते। ये सब सूखा रहता है तो अच्छा लगता है। देखिए लकड़ी लकड़ी सी दिख रही है ना, क्योंकि ये सूख गए हैं तो इसीलिए। तो इसको मैं ढक देती हूँ, ढकने इसका बिल्कुल पानी सूख जाए तभी अच्छी लगती है। ये बनती रहेगी। और ये देखिए कैसे लगे, वो देखो मेरे कुर्सी पे कपड़े रखे हुए हैं तय करने के लिए, कपड़े तय करूँगी पहले खाना बन जाए। खाना कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था मेरा, और देखो कुर्सी पे कपड़े आप देख सकते हैं कितने सारे हो गए हैं। रोज़ ही हो जाते हैं, आपको पता ही, मैं रोज़ के रोज़ कपड़े धोती हूँ, तो कुर्सी पे रख लेती हूँ, कपड़े की तो पूछिए मत। चलिए वो हो गया है। और यहाँ पे मैं दाल छौंक दे रही हूँ, दाल मेरी उबल गई है। ये सिर्फ वैसी होती है ना, तो मैं इसे लहसुन से और उससे बस तड़का दे दे रही हूँ, और कुछ भी नहीं कर रही, सादा सिंपल। और मैंने दूध गर्म करके कल दिखाया था ना, दही जमाया है, तो अभी ये दूध पीते नहीं है, तो मैंने इनके लिए दही जमा दिए, दही ले लेंगे। और थोड़ा सा पेट में ठंडक भी देंगी, पेट में तो कुछ दिक्कत हो ना तो ठीक भी रहता है।
लहसुन भुज गया, टमाटर डाल दिए, हरी मिर्ची दो, बीच में से चीरा दे के, मतलब ये अच्छा लगता है तो इसमें डाल दी। छोटी कढ़ाई ली है, बड़ी कढ़ाई में वो सब्जी रखी है तो मैंने बोला छोटी सी कढ़ाई में इसी में तड़का दे देती, तड़का ही देना। उधर देखिए उसकी सीटी निकल गई है, दाल को फटाक से इसमें डाल, थोड़ी सी मिर्ची डालिए क्योंकि हरी मिर्ची मैंने पहले ही डाल दी है। देखिए दाल डाल दी है और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे बस इस तरीके से। ये देखिए इसमें गाढ़ी रोटी के साथ खा रहे ना तो थोड़ी सी दाल गाढ़ी हो ना तो अच्छी लगती है, तो इतना मैंने पानी दे दिया है और इसको थोड़ी देर बनने के लिए छोड़ देते। धनिया ख़त्म हो गया है, नहीं तो धनिया डालते तो और भी अच्छी। ये देखिए रोटी के लिए ऐसी ही दाल होनी चाहिए, चावल के लिए थोड़ी सी पतली होगी तो चलेगा पर रोटियों के लिए थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए। तो देखिए मेरी दाल रेडी है, भुजिया रेडी है और देखो दही सॉरी दही में आप मैंने वो चटनी डाली है, थोड़ी सी चटनी डालूँगी और पुदीना। यहाँ रोटी बनाती जा रही हूँ मैं, गरम गरम इन लोगों को देती जा रही हूँ। यहाँ पे वो काला नमक डाल दिया और इसमें थोड़ा सा मिसल के हाथ से पुदीना डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ट्राई करना। और आज का खाना बस ये है मेरा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा कौन कौन ऐसे बनाता है, कौन कौन खाता है। बस ये था, ये मेरी शाम को भी हो जाएगी और अभी का भी, क्योंकि अभी वो इन्होंने तो मतलब बाद में खाया था, हम लोगों ने खा लिया था, इनको टेंशन हो गई थी। टेंशन तो देखिए होती ही होती है, आप लोग समझ सकते हैं, इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, अब जाएंगे, लाइट रोज़ रोज़ हमें मांगनी पड़ रही है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब था, तो ये देखिए खाना तैयार, आ जाइए आप लोग भी, गरम गरम सारा है, धुआं निकल रहा है, आप लोग भी आइए खा लीजिए दही के साथ। सारा हो गया है, बच्चों के लिए दूध कर लूँ और एक दो बर्तन, अब हिम्मत नहीं है धोने की। ये देखो चकला बेलन है, दो कटोरियाँ और वो और कुछ नहीं, पर अब हिम्मत नहीं है, अब नहीं धो सकती, अब सुबह धोऊँगी। बच्चों के लिए दूध ले लेती हूँ, मैंने बोला वीडियो एंड कर देती हूँ और किचन की लाइट आइट ऑफ कर देती हूँ, मंदिर की। अब थक गई मैं बोल बोल के, इस कमरे की लाइट लगा दो पर ये नहीं जला लगाते हैं। अब बोलने का कोई मतलब नहीं है, अब तो नहीं बोलूँ, ये वाली जला के रखनी पड़ती है, एक मिनट हाथ जोड़ लूँ। तो इस कमरे ही कर दिए दोनों के लिए दूध। अच्छा एक दिन पता है क्या हुआ, मैं दूध बच्चों के लिए लेके गई और ठंडा होने के लिए रख दिया, बच्चे भी सो गए मैं भी सो गई, दूध रह गया वो ध्यान ही नहीं रहा मुझे, तो आज मैं जाते ही सामने रखूँगी, उसके टीवी के पास रख दिया था, फिर ध्यान ही नहीं रहा तो फिर हो जाता है ना, दिमाग से निकल जाओ, मेरी तो आप लोगों को पता ही है, आए दिन भूलती रहती हूँ। और ये लोग बिल्कुल भी ठंडा दूध नहीं पीते हैं, मतलब गुनगुना सा दूध पीते हैं। तो चलिए अभी टाइम हो रहा है 9:30, 9:30 से ऊपर हो रहे हैं, पत्थर देखो कितनी तेज चिल्ला रहे ये लोग। और अभी काफ़ी गर्म है दूध, मलाई इसकी हटा के गिलास में इसकी कर लूँगी, और बस इनको मैं ये लेते नहीं, इनको दही दे दिया मैंने ना दही लिया है ना दूध, मैं नहीं ले रही, वैसे ही ऐसे मोटी हो रही हूँ और भी ज़्यादा, और इस दूध को यहीं रख देती हूँ। ये दूध फ्रिज खोल के आऊँ, फ्रिज तो दूध फ्रिज में रखा है, एक मोबाइल से दूध पकड़ती एक मोबाइल से फ़ोन तो गिर जाता, तो उसका कोई मतलब नहीं। ये बच्चों का दूध, चीनी उसी रूम में खोल लूँगी, वो दूध मैंने फ्रिज में गर्म नहीं रखा, गुनगुना सा रखा है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। दीदी ना कमेंट लगा दे, एक तो इनकी लड़ाइयाँ, चलो 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 सोते हैं, चलो बाय, गुड नाइट।